संजय जाना माना रियल एस्टेट बिजनेस का मालिक था। वह लोगों के लिए बड़े बड़े घर बनाता और उसे कभी कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का भी काम मिला करता था। वह अपने इलाके में बहुत ही पॉपुलर था, उसके पास बेहद धन था। संजय का एक दोस्त भी था जिसका नाम जॉन था। दोनों मिलकर एक साथ काम किया करते थे। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन संजय और जॉन में से संजय के पास सबसे ज्यादा पैसे थे। एक दिन संजय को एक फोन आया जिसमें उसे मारने की धमकी दी गई। इस फोन को संजय ने एक छोटा सा मजाक समझा और उसे हल्के में लेकर जाने दिया। यह बात उसने सिर्फ अपने बेटे विलियम को बताई थी। 3 दिन बाद संजय की मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम में पाया गया कि संजय की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन संजय के बेटे विलियम को इस बात पर यकीन नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि उसके पिताजी को धमकी भरा फोन आया था। इस वजह से वह असल सच को जानना चाहता था। सच जानने के लिए उसने एक डिटेक्टिव की सहायता ली जिसका नाम था डिटेक्टिव सोमेश। विलियम डिटेक्टिव सोमेश के पास गया और उसे सारी बात बताई। अब डिटेक्टिव सोमेश अपने असिस्टेंट के साथ संजय के घर गया और उसके घर की छानबीन करने लगा। सोमेश की असिस्टेंट ने उसे कहा, सर कमरा तो अंदर से बंद था और इनका कमरा 3री मंजिल पर है, तो यहाँ कोई और कैसे आ सकता है? मुझे तो इनकी मृत्यु नेचुरल लग रही है। अपने असिस्टेंट की बात सुनते ही सोमेश ने उससे कहा, हमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। सोमेश ने कमरे की अच्छे से छानबीन की। वो एक एक बारीकी को ध्यान से देख रहा था। जब वह खिड़की के पास जाकर छानबीन कर रहा था, तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आई। डिटेक्टिव सोमेश ने विलियम से पूछा, यह स्मेल किस चीज की आ रही है? तब विलियम ने उसे बताया, कुछ दिनों पहले घर के बाहर पेंटिंग का काम हो रहा था, ये पेंट की स्मेल है जो बाहर से आ रही है। तब सोमेश ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो वहां रस्सियों से बनी सीढ़ियां लगी हुई थी। सोमेश ने विलियम से कहा, यहाँ कितने पेंटर काम कर रहे थे? यहाँ 3 पेंटर काम कर रहे थे जो पिछले 7 दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, विलियम ने सोमेश को बताया। डिटेक्टिव सोमेश को इस केस के सिलसिले में नई दिशा मिल चुकी थी। तब उसे पता चल चुका था कि उसे क्या करना है। डिटेक्टिव सोमेश ने अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ जाकर उन 3 पेंटरों की जानकारी लेकर आओ। डिटेक्टिव के असिस्टेंट ने उन पेंटर की छानबीन करी और उनका पूरा बायोडाटा इकट्ठा किया। उसने 3ों पेंटर्स के बारे में अच्छे से जाना। तब उसे एक पेंटर पर शक हुआ जिसका नाम लियो था। सुमेश लियो के घर गया। घर जाकर उसने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था, लियो वहाँ से जा चुका था। ऐसे में उसके असिस्टेंट ने डिटेक्टिव सुमेश से पूछा, आपको क्यों लगता है कि यह पेंटर का ही काम है? अगर तुम 3ों पेंटर की जानकारी ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाता, बाकी के 2 पेंटर 10 सालों से पेंटिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन लियो एक ऐसा पेंटर है जिसने 2 महीने पहले ही पेंटिंग का काम शुरू किया। जब मैंने लियो के बारे में अच्छे से छानबीन की तो मुझे पता चला कि वो एक जाना माना अपराधी है जो पैसे लेकर जुर्म किया करता है। उसने भी किसी से पैसे लेकर संजय की हत्या की है। यह मर्डर बहुत ही अच्छे से प्लान किया गया है। अब बस सबसे पहले हमें लियो को ढूंढकर उसको पकड़ना होगा, तब हमें सच पता चल पाएगा, सोमेश ने अपने असिस्टेंट को बताया। इसके बाद दोनों लियो को ढूंढने के काम में जुट गए। सोमेश के पास बहुत सारे खबरी थे
जो उसे हर तरह की खबर दे दिया करते थे। सोमेश अपने खबरी के पास गया और उसने लियो के बारे में बताया। 3 दिन बाद लियो का पता मिल गया। उसे यह खबर उसके खबरी ने दी थी। लियो राइजिंग होटल के 232 रूम में छुपा हुआ था। उसने लियो को होटल के रूम में पकड़ लिया और उसे पुलिस के पास ले गया। पुलिस के पास ले जाकर उसे जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उससे अच्छे से पूछताछ की गई। तब लियो ने बताया कि संजय की हत्या करने के लिए उसे पैसे मिले थे और संजय की हत्या उसके ही दोस्त जॉन ने करवाई थी। यह खबर मिलते ही पुलिस ने जॉन को भी पकड़ लिया और फिर उससे पूछा गया उसने अपने दोस्त की हत्या क्यों करवाई। उसने बताया, संजय मेरा एक अच्छा दोस्त था, लेकिन बिजनेस में वह हमेशा मुझसे आगे था। वह मुझसे ज़्यादा पैसे वाला था, उसके पास कंपनी के शेयर ज़्यादा थे। तो एक दिन मैंने उसे बोला, क्यों ना हम अपने शेयर बराबर कर लें और कंपनी को बराबर के हिस्सों में बांट लें। जो बात संजय के गले से ना उतरी, इससे खफा होकर जॉन ने ये सारा षड्यंत्र रचा और लियो को उसको मारने के लिए पैसे दिए। और लियो ने यह भी बताया कि उसने ये मर्डर कैसे किया। वह बोला, एक दिन जब मैं पेंट कर रहा था तब मैंने देखा कि बाकी के 2 पेंटर खाना खाने गए थे। तब मौका देखकर मैं सीढ़ियों से चढ़कर खिड़की को खोला और कमरे में घुस गया। मुझे जॉन ने जिस तरह बताया था मैंने उसी तरह किया। मैंने उसकी दवाइयाँ बदल दी जिन्हें खाकर संजय की मौत हो गई और उसे हार्ट अटैक आ गया। सच के सामने आते ही जॉन को पुलिस ने जेल में डाल दिया और अब उसे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। और डिटेक्टिव सोमेश केस सॉल्व करके अपने नए केस की तलाश में निकल पड़ा। दोस्तों, आपको डिटेक्टिव सोमेश का पहला केस कैसा लगा, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। हम डिटेक्टिव सोमेश की वीडियो क्लिप भी स्टोरी के रूप में जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। अगर आपको कहानी ऐसे ही सुनकर मज़ा आया तो हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। अब मुझे यानी कि आपके होस्ट एंड दोस्त दीपक मचल को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। शाबाश। कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता।